ये देखिए गाइस, कितने सारे जो पेरू है, ग्वावाज है, वो कैसे गिरे हैं नीचे पेड़ से, क्योंकि आपको पता ही है कि इसकी टेस्ट अच्छी नहीं है। इसको देखिए, किसी बर्ड ने खाने की कोशिश की है, तो ज़्यादा बर्ड्स भी इसको नहीं खाते हैं। सो हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेट शाल। तो यार, इसकी टेस्ट भी अच्छी नहीं है, इसीलिए बर्ड्स भी नहीं खाते ज़्यादा, तो ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाते हैं और नीचे कीड़े खा लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि वहाँ पे भी डाल दिए थे, तो ये ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं। तो एक तो मैं कभी कभी टीरेक्स को खिलाता हूँ या फिर ऐसे ही सड़ने देता हूँ, और लास्ट टाइम मैंने हमारे जो फ्लाई ट्रैप है उसमें डाल दिए थे, तब से वो उसमें है, उसके बाद मैंने उसमें कुछ नहीं डाला है। तो जब भी ये खाना ख़त्म हो जाएगा तो हम इनको खोल के उसमें डाल देंगे। तो अभी मैं पीछे क्या कर रहा हूँ, तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा पॉन्ड जो है वो भरना बाकी था, तो यहाँ का पाइप जो है वो मैंने पूछा, तो घर वालों ने कट करके रखा है, तो इसको अभी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये पॉन्ड तक नहीं जाएगा। तो मुझे ये जो रस्सी है वो दूसरे साइड लेके जानी होगी, जो कि हमारी यहाँ पे दूसरा पाइप है, ये देखिए ग्रीन वाला, वहाँ पे मुझे लेके जाना पड़ेगा। और ऊपर से वो हमारा पॉन्ड जो है वो नज़दीक है, तो वो वाला जो पाइप है वो अभी यूज़ करेंगे, लेकिन मुझे अभी 2-3 बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा टेरेस पे जाके, तो यार ये बहुत ही हेक्टिक काम है। तो चलिए मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, नहीं तो वापस मुझे उसके लिए भी आना पड़ेगा। यार ऑलरेडी पहले से ही सर्दी हो चुकी है, और ऊपर नीचे करना मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। हाँ, और हमारा ये वाला जो टैंक है उसको भी क्लीन करना है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली आज हम हमारा पॉन्ड जो है हाँ वो भर देंगे, लेकिन उसके पहले यार मुझे याद आया कि उसकी मोटर जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पानी भरने के बाद बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए पहले मैं इसकी जो मोटर है वो कनेक्ट कर देता हूँ। चलो ओके, इसको तो मैंने कनेक्ट कर दिया है यार, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे घुमा लेंगे। ओके डन। तो अभी देखते हैं इसमें पानी भर के। तो यार मुझे अभी घर वालों को मनाना पड़ेगा कि ये आप प्लीज़ उसमें पाइप डाल के आप मोटर चालू करो, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं सब कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले हमें ये वाला जो रस्सी है वो खींचनी पड़ेगी और उस साइड लेके जानी पड़ेगी। मोटर चालू कर दी, लेकिन घर वालों ने मुझे भिगा दिया है पूरा। चालू कर बोलने से पहले ही पाइप खींच रहा था, तभी मोटर चालू कर दी, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो मैं ओवरफ्लो कर दूंगा ये जो गंदगी है उसको, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गंदगी है, और इसके जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें जा चुके हैं। तो फाइनली हमने हमारा पॉन्ड जो है वो भरना चालू कर दिया है, अभी फिंगर्स क्रॉस ये लीक नहीं होना चाहिए। तो यार एक दिन देखेंगे कि ये लीक होता है या नहीं, क्योंकि तुरंत पता चलेगा जो पानी है वो नीचे उतरना चालू हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुका है, आप देख सकते हो ये वाला जो पानी है पहले ही चालू करने की वजह से यहाँ पे गिरा है, और अब ये पानी जो है वो इसके नीचे जाएगा तो जल्दी नहीं पता चलने वाला है, और अगर बारिश भी आएगी तो इतना जल्दी नहीं पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि सारा ड्राई है, सब एरिया पूरा ड्राई है, और यहाँ पे क्या बजा, चूहा तो नहीं है, नहीं बैग थी। तो यहाँ पे पूरा ड्राई है, और ये सब जो ड्राई है वो अगर ऐसे ही रहेगा तो हमारा जो पॉन्ड है वो पता चलेगा कि ये लीक हो रहा है या नहीं। तो अभी इसको भरने में अराउंड 20 मिनट्स तो लगने ही वाले हैं, तो इसको भरने देते हैं, तब तक हम बाकी के अपडेट्स लेते हैं। तो मैंने बहुत दिनों से इस चीज़ को नहीं देखा था, तो अभी देखते हैं, क्योंकि फ़िल्टर भी हमारा बंद था। तो ये देख सकते हो कि इसमें से जंगली घास जो है वो अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन जो हमारा बाम्बू का प्लांट है वो थोड़ा जला है, बाकी एलिफेंट ईयर्स के जो लीव्स हैं वो बहुत छोटे उगते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत छोटे साइज़ में आते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अभी ये छोटे साइज़ में आ रहा है, इसका मतलब इसको ज़्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये अभी ठीक से उग नहीं रहा है। यार बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, इसको मुझे शायद साइफन भी करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है,
और मैं ये जो कपड़ा है वो निकालना भूल गया, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। जब तक हमारा पॉन्ड भर रहा है तो हम देखते हैं हमारा टीरेक्स क्या कर रहा है। तो ये देखिए, ये यहीं पे मेरी राह दिख रहा है और आज उसके फेस का कलर आप देख सकते हो कि कुछ अलग ही दिख रहा है, ये देखिए। लेकिन जैसे भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है ना टीरेक्स, है ना टीरेक्स, टीरेक्स है ना, टीरेक्स है ना। हेलो टीरेक्स, ये ऐसे ऐसे देख देख के कभी अचानक से मेरी उंगली पकड़ेगा ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और ये देख सकते हो, ये बोलेगा भाई बहुत मजे लिए, अब मैं लेता। तो ऐसे कभी नहीं करना जो अभी मैंने बोला, अभी कुछ नहीं सुना है तुमने। नाखून देखिएगा इसके कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये देखिए नाखून, मतलब उसके खतरनाक तरीके से बढ़े हैं। देखिए उसको, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मेरी उंगली अभी जो मैंने बोला वो सही में करेगा। ये देखिए कितने ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो इसीलिए मेरा मन नहीं करता है इसको बाहर निकालने का, नहीं तो वैसे ये इजीली मेरे पास आ जाता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें नहीं निकालता हूँ बाहर, यही रीज़न है। तो मुझे इसके नाखून पहले निकालने पड़ेंगे। ये देखिए बाप रे बाप कितना बड़ा हो चुका है, और जो मेरे ये देखिए उंगली जितना हो गया है, मोटा बड़ा बाप रे, सेम काटे के जैसे दिखता है, खतरनाक। और ये बहुत ही इजीली मक्खन के जैसे स्किन में घुसता है गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसका इंटेंशन नहीं होता है मारने का, लेकिन ये लग जाते हैं जब ये भागता है, है ना टीरेक्स, तुम्हारा इंटेंशन होता है या नहीं होता है। ये देखिए आग कैसे बंद कर रहा है, तो बहुत छेड़ा है इसको अभी, तो चलिए पॉन्ड कितना भरा है वो देखते हैं। पॉन्ड को तो भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, वो गंदगी देखिए गाइस। मुझे इसको जो नेट है उसकी मदद से भी निकालना पड़ेगा, लेकिन यार नेट मैंने कहाँ रखा है वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए मैं नेट ढूंढता हूँ तब तक, जब तक हमारा ये पॉन्ड जो है वो भर रहा है। तो ये रहा हमारा नेट, नज़दीकी था, और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बर्ड्स भी हेल्दी है अभी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ओह ये अंदर जाके बैठ रहे, इसका मतलब ये शायद अंडा ले करेंगे, तो अगर वैसा होगा तो जल्द ही हमें पता चलेगा अगर ये अंडा ले करते हैं। तो चलिए अभी इसकी मदद से जितना हो सके मैं गंदगी जो है वो निकाल लेता हूँ। बाप रे बाप, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसका, इसके ऊपर का जो नेट है, जो ग्रीन ग्रीन नेट है, वो निकल गया था, मतलब निकाल दिया था, इसी वजह से ये इतना गंदा हो चुका है। ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। और अभी मैं सोच रहा था कि यार इतनी गंदगी से मैं बच्चे कैसे निकालूंगा, इसमें से जो बेबी फिशेस होते हैं वो कैसे निकालूंगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि मैंने पूरा पॉन्ड जो है वो खाली कर दिया था, क्योंकि आदत ही नहीं है मुझे, अरे यार आदत ही नहीं है मुझे खाली पॉन्ड देखने की, क्योंकि बहुत सालों से मेरे पास ये पॉन्ड है और ये कभी इतना ज़्यादा दिनों तक खाली नहीं रहा है, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हुआ। तो खैर चलिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, मैं शायद इसके अंदर ही उतरता हूँ ताकि आसानी से मैं इसको क्लीन कर पाऊँ। तो फाइनली गाइस मैंने बहुत ज़्यादा कचरा निकाल लिया है इसमें से, आप देख सकते हो, और हमारा पॉन्ड भी भरने आया है। आप देख सकते हो कि जो वाटर लेवल है वहाँ तक, जो हमारा ओवरफ्लो है वहाँ तक जो पानी है वो पहुँच चुका है, तो अभी मुझे इसको बंद करने के लिए कहना पड़ेगा। चलिए मैं इसको बंद करवाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। यार ये भर गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, आप देख सकते हो। यार हम इसमें टेम्परेरी अभी एक बार, जैसे हमने बड़े टैंक में बड़े टर्टल्स के साथ हमारे जो बेबी टर्टल्स हैं उनको ऐड करके देखा था, हमारे जिगजैग और कॉटन को, तो वैसे ही हम इसमें भी ऐड कर सकते, क्योंकि पानी तभी भी क्लियर था, अभी भी क्लियर है, लेकिन आसानी होगी मुझे उसको पकड़ने में और देखने में कहाँ छुपे हैं कहाँ नहीं है, और टैंक भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला है उसका जो गंदगी है वो, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम हमारे जो बेबी टर्टल्स हैं उनको इसमें ऐड करके देखेंगे कि कैसे रिएक्शन होती है हमारे बेबी टर्टल्स की। तो गाइस हमारा पॉन्ड भर ही चुका है, तो चलिए मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। मुझे पता है अभी इसके ऊपर की जो एल्गी है वो सारा टैंक के अंदर गिरने वाला है, और टैंक जो है
वो ख़राब होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, ये इजीली अपने आप साइकिल होता रहेगा और ख़ुद को सेट करता रहेगा। तो चलिए, मोटर चालू है या नहीं, हमारा जो सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो चलो भाई, यार ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। यार मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने हमारे मोटर को ऑन कर दिया है, अभी देखना है कि ये चालू है या नहीं। तो यार कान लगा के देखना पड़ेगा, शायद हमारी मोटर चालू नहीं हुई है गाइस। तो मैं देखता हूँ, फिगर आउट करता हूँ क्या प्रॉब्लम है और फिर आपको बताता हूँ। तो यार गाइस, इसमें एक दिक्कत हो गई है। वही सोचा मैंने कि मोटर चालू थी, अभी अचानक से बंद की हुई है, तो ये एक रीज़न है इसका, मोटर बंद होने का। तो खैर, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये काम कर रही है या नहीं। तो अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे, सेट हो करके देखेंगे अगर ये काम करती है या नहीं, या फिर हमें दूसरा कोई ऑप्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइज, हमारा जो पॉन्ड है वो भर चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।